हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो है मम्मी बना रही है पराठे। सुबह का टाइम है, मूली के पराठे बन रहे हैं। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और वो तो कहाँ मूली के पराठे खाने वाले थे, तो ये पराठे मेरे, मम्मी और विपिन के लिए हैं। हम तीनों खाएंगे मूली के पराठे। चाय वाय बन चुकी है। मूली का क्या होता है ना, एक तो इसको कसना पड़ता है और इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है ताकि जो भी इसके अंदर पानी है वो निकल जाए, तो इसीलिए इसको नमक लगा के छोड़ना चाहिए। जितना भी पानी छोड़ना है छोड़ देंगे, और नमक एक्स्ट्रा ही डालना चाहिए ताकि आपको बाद में ना डालना पड़े। और आटा भी जो लगाओ मूली के पराठे के लिए, उसमें भी थोड़ा सा नमक लगा लेना चाहिए। वैसे मैं तो आटे में नमक डालती नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी की आदत है आटे में नमक डालकर रोटियाँ या पराठे बनाने की। मतलब वो आटा गूंथती हैं तो नमक डालती डालती हैं, चाहे वो पूरी का हो, चाहे वो रोटी का हो, चाहे वो पराठे का हो। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मम्मी का थोड़ा बीपी चेक कराना है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर ये देखिए, मुझे ये अच्छा लगा था नज़ारा, और इस साइड से बहुत कम जाते हैं हम लोग मार्केट वगैरह, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं ये वाला एरिया भी। तो चारों तरफ वैसे हरियाली हरियाली मिलेगी, इधर की साइड ज़्यादा हरियाली वगैरह है, होती है देखो, गांव की साइड तो वैसे भी ज़्यादा होती है, चाहे वो प्लेन एरियाज़ में हो चाहे वो हिली एरियाज़ में हो, तो वहाँ तो होती ही है। तो फिर अभी जो है, और ये पता है ये वीडियो भी 2 दिन का है, तो यहाँ पे अभी साग की तैयारी हो रही है जिसमें हम लोग बैठे हैं काटने के लिए। मुझसे तो नहीं हुआ भाई दराती से काटना, मम्मी काट रही हैं और बहुत ही बारीक बारीक सा काट रही हैं मम्मी। अभी मैं पास से भी दिखाऊंगी आपको, और आप में से भी बहुत सारे लोग काट लेते होंगे, मुझे तो नहीं आता है। मम्मी तो बिल्कुल बारीक बारीक काट रही थी, और उसको भी मम्मी बोल रही थी कि ये बहुत मोटा है। मतलब मेरे वाला तो इतना मोटा था जो मैंने काटा था, मम्मी ने दोबारा काटा। हमने 5 तरह का साग लिया है बनाने के लिए, जिसमें चने का भी है, मेथी भी है, बथुआ भी है, पालक भी है और सरसों भी। और ये देखिए मम्मी कितना बारीक बारीक काट रही है ना। मम्मी भी ऐसे ही काटती है, मेरी सास भी ऐसे ही काटती थी बहुत बारीक बारीक, और जो मेरी ताई सास हो रहे हैं, ताई चाची सास हो रहे हैं, वो भी काटती हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको इस दराती से काटना बहुत अच्छे से आता है, वो भी बारीक बारीक एकदम बढ़िया। हमें तो नहीं आता भाई, पता नहीं क्यों नहीं आती इस तरह की चीज़ें। जैसे वो चलाना हो गया, क्या बोलते हैं उसको, सिलबट्टा चलाना हो गया, वो भी नहीं आता चलाना। तो मम्मी ने साग काटा और उसके बाद मैं अंदर ले आई हूँ इसको वॉश करने के लिए। खूब सारी हरी मिर्च जाएंगी इसमें जो मैंने स्लैब पे निकाल ली है। नींबू हम ले आए थे कि भाई प्याज वगैरह मूली वगैरह काटेंगे साग के साथ, तो फिर नींबू डालो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम साग को वॉश कर लेंगे, फिर इसको गैस पे चढ़ाएंगे। और मैं कभी भी साग को काट के नहीं धोती हूँ, मैं उसको पहले मतलब धोती हूँ फिर कट करते हैं। मम्मी क्या करती हैं, कई बार वो काट कर भी धो लेती हैं और कई बार बगैर काटे भी धो लेती हैं। लेकिन मेरा क्या था कि अगर दराती से काटते तो फिर वो तब भी मैं दोबारा धोती, तो फिर मैंने कहा चलो काट ही लो फिर एक ही बार धो लेंगे। तो यहाँ पर बस इसको धो रहे हैं, और इसको धोना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कटे हुए को धोना। लेकिन सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काट कर ही साग को वॉश करते हैं। तो कोई बात नहीं, जिसका जैसा तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको 2 सीटी लगा ली थी, उसके बाद इसमें जो पानी था वो निकाल दिया था, वो मम्मी ने निकाला था क्योंकि मम्मी बोल रही थी उससे जलन होती है, तो वो जलन नहीं होती है। दूसरा, इसमें चोपर में करके लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल दी है, और दोबारा से सीटी लगाएंगे इसको। और यहाँ पे मम्मी बनाने लगी हैं लहसुन की चटनी। अभी बन रही है लहसुन की चटनी, और ये राजस्थानी लहसुन की चटनी है। किसी ने बोला था रेसिपी शेयर करना, तो इसीलिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमने लहसुन ले लिया है, ये लहसुन की कम से कम 7-8 कल वो है, क्या बोलते हैं, गुच्छी, जिनको हमने छील के इसमें ले लिया है। और उसके बाद ये लाल मिर्च है साबुत, ये जरूर जाएंगी साबुत लाल मिर्च। इन ये नहीं कि भाई खाने वाली लाल मिर्च डालनी है, नहीं, जो इन मिर्च की बात आएगी वो उसकी नहीं आएगी। और मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। वैसे ये चटनी है, चटनी में तो मिर्च होती ही होती है। देखिए ऊपर से हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है, अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप वो डालिएगा, उसका टेस्ट अलग आएगा, साबुत धनिया, ठीक है। और उसके बाद हम ले रहे हैं जीरा, मेरे पास साबुत धनिया नहीं था इसलिए पाउडर वाला लिया है, और जीरा साबुत लिया है। और एक चीज और, इस टाइम पर आप इसमें हींग भी डालना, अगर आपके पास हींग वो वाला है, कौन से वाला होता है वो, डली डलियों से वाला, हाँ डली का डालो या डालो कोई, हाँ, मेरे पास है पाउडर वाला और वो भी बहुत ही थोड़ा सा, तो हम उसको बाद में डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं नमक, नमक डाल रहे हैं, जीरा डाला है, धनिया पाउडर डाला है, साबुत लाल मिर्च डाली है, लहसुन लिया है,
और अब जो है इसमें हो गया है सारी चीजें कंप्लीट। अब इसको हम करके बंद करके इसका बनाएंगे पेस्ट। ठीक है, मिक्सर यहाँ रेडी है, थोड़ा सा पानी गिरेगा, एक से ये जा रहा है इसके अंदर पानी। पानी भी ज्यादा मत कर दिएगा, कर दीजिएगा, इतना करिएगा कि ये बस हो जाए। ठीक है, और साबुत धनिया जरूर डालिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका अपना अलग एक टेस्ट होता है, अगर हम उसकी जगह पाउडर वगैरह लें तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। तो ये जो है बंद कर दिया और इसको अभी लगा देंगे मिक्सर जार में। जो भी आपके पास मिक्सर जार है वो, हाँ अगर चारों तरफ से वो है ना तो ठीक है। फिर अभी इसको बंद करके चला देंगे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और जाएगा क्योंकि ये घूम नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपने स्टार्टिंग में ही इसमें ज्यादा पानी डाल दिया, फिर बहुत ज्यादा पतली भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि अभी इसमें हम और भी चीजें डालेंगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगी। तो अभी देखिए इसमें थोड़ा सा हम और पानी डाल रहे हैं, देखकर बस ये पानी डाला, इसको बंद करके फिर से चला लेंगे। तो इसको रख देंगे दोबारा से और दोबारा से इसको चला लेंगे। देखो थोड़े से लहसुन के पीस बचे हैं ना, तो कढ़ाई रख दिए गैस पे। अभी इस चटनी को लगेगा तड़का। हमने डाल दिया है इसमें एक चम्मच घी, तो घी इसमें इतना ही डालना है क्योंकि अभी इसमें मलाई डलेगी तो इसमें बहुत घी घी हो जाएगा, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे इसमें दोबारा से जीरा जाएगा। तो घी हो गया है गरम, अब इसमें डालेंगे जीरा। गरम है घी, कढ़ाई गरम थी ना, तो जीरा जाएगा इसमें। हाँ हाँ हो रखा है क्योंकि कब से रखी हुई थी कढ़ाई, तो जीरा चटक चुका है। अब हम इसमें हींग डाल रहे हैं, हमारे पास इतना ही हींग था और अब इसमें डाल देंगे इसमें थोड़ी सी रंग वाली जो लाल मिर्च होती है वो ली है, और उसके बाद जो चटनी है वो हम इसमें डाल रहे हैं। सारी चटनी डाल देंगे इसमें, तो इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। और थोड़ा सा अभी गिलास में चटनी लग रही है तो इसमें भी थोड़ा सा हम पानी कर लिया है, वो इसको करके इसी में डाल देंगे। तो अभी जो है इसमें जाएगी मलाई, 2 दिन के दूध की मलाई है, बोल सकते हैं 3 किलो के दूध की मलाई डाली, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कितनी चीज ली, कितना क्या लिया, उस हिसाब से। अगर आपने लहसुन कम लिए हैं, मैं इसलिए ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी फिर चली जाएंगी तो ये चटनी हम बनवा के रख लेंगे, तो इस वजह से ज्यादा बनवा रहे हैं। आप अगर बना लेनी सीख लेते हैं तो फिर जरूरत नहीं है इतनी सारी बनाने की, आप हफ्ते के हफ्ते बनाइए। ठीक है, और इसके साथ पानी के हाथ की रोटी बनाइए गेहूं के आटे की, और देखिए कितना मजा आएगा। अभी तो इसको पकाएंगे और ये आराम से 12-15 दिन चल जाती है, आराम से फ्रिज में रखिए, गर्मी हो सर्दी हो आराम से 12-15 दिन चलेगी। तो इसको घुमा लेते हैं, तो आप इसको मलाई डालने के बाद तब तक पकाएं जब तक कि मलाई से अच्छे से घी नहीं निकल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से घी निकल गया है, तो इसको पहले हम चला लेंगे और चलाने के बाद फिर से मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूँगी, 1.5-2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद ये बनकर रेडी हो जाएगी। जब ये अच्छे से घी छोड़ देती है रेडी, तो ये तभी हो जाती है, लेकिन उसके भी 1-1.5 मिनट तक मैंने रखी और फिर मैंने उसकी गैस बंद की। बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी, आप पराठा रोटी या हाथ की रोटी चाय ले लीजिए या किसी भी पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी जो है मम्मी देखिए मेरी अलमारी समेटने लगी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को यही दिखा रही थी कि मतलब बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। फिर कहती है यहाँ पे मैं करी क्या रही हूँ, ज़्यादा ना झाड़ू ना पोछा ना कपड़े, कुछ भी नहीं, मतलब सुनती नहीं है मम्मी बिल्कुल भी बात को, उनको बैठना होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चाहिए उनको करने के लिए काम। और अभी मैं किचन में बना रही हूँ शाम का खाना, शाम हो चली है तो रात का खाना बना रही हूँ। रात के खाने में आज मैं सर्दियों का स्पेशल डिनर जो होता है वो बना रही हूँ। डिनर क्या, आप इसको लंच में भी बना सकते हैं, और मतलब लंच डिनर दोनों में बना सकते हैं, रात के खाने में, दोपहर के खाने में। आलू मटर की सब्जी, बथुए का रायता, पालक की पूरी। एक सब्जी और बोल रही थी मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया कि इतनी मत बनाओ सब्जी वब्जी, मैं मम्मी की वजह से बना रही थी, मैंने कहा मम्मी बना लेते हैं ना, तो मम्मी कह रही ना एक ही सब्जी बहुत है, फिर बैठते हैं अंदर बातें करेंगे, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं आलू मटर को ही छोंक रही हूँ और साथ के साथ मैं और तैयारियाँ भी कर रही हूँ,
तो पूरी के लिए भी मम्मी मना कर रही थी क्योंकि मम्मी ज़्यादा पूरी पराठी ये सब नहीं खाती हैं, लेकिन मैं उनकी वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं ये भी बनाऊँ वो भी बनाऊँ। गुड्डू मेरे साथ इस तरह की मस्ती करती रहती है, उसको पता है मुझे गुदगुदी होती है लेकिन वो छेड़ती रहती है। तो यहाँ पे मैं बथुए का रायता बनाने के लिए बथुए को जो है बॉईल कर रही हूँ, हल्का सा इसको पका लेना है। सीटी भी लगा लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ये जो बथुआ था ना ये अच्छा था, कच्चा कच्चा था, मतलब पका हुआ वाला नहीं था। तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा मतलब 2-4 मिनट में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हो गया है लेकिन मैं इसको 2-4 मिनट और रखूँगी फिर गैस बंद करूँगी। तो गैस बंद की बथुए को पेस्ट बनाया और रायता बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उसको ठंडा करने के बाद, ठंडा करके ही बनाना है, दही खट्टी हो जाएगी और पेस्ट भी ठंडा करके ही बनाना है। तो यहाँ पे दही लिया, दही में लाल मिर्च डाली थोड़ी सी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर नहीं डाला है सॉरी, पुदीना डाला है और काला नमक डाला है। और उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था बथुए का वो डाल दिया है। तो वो डालने के बाद बस इसको मिक्स कर लेंगे। मीठी दही होनी चाहिए, रायता बहुत ही गजब का लगता है। इसको हम तड़का भी लगाएंगे। तो हमने तेल गरम कर लिया है, उसमें हम डालेंगे जीरा। आप यहाँ पे साबुत धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे स्वाद दुगना हो जाएगा। मेरे पास जीरा है तो मैं जीरा ही डाल रही हूँ। और जीरा डालिए, पटकाइए और डाल दीजिए सीधा उसके अंदर। बहुत ही मज़े का रायता बनेगा, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया था, पालक का पेस्ट बना के, पालक को धो करके उबाल करके। मम्मी तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पालक की पूरी बने, पूरी बने मतलब उनको ये था कि पूरी पूरी नहीं बनाना है। मैंने कहा नहीं मम्मी कभी कभार चलता है, क्यों आप लोग बताइए चलता है ना, मन करता है ना यार मम्मी आई है ये खिलाऊं वो खिलाऊं ये बनाऊं वो बनाऊं, लेकिन मम्मी हर चीज़ के लिए बोल देती है नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। और दूसरा फिर रात में तो वो खाना खाती नहीं है। अब जैसे पूरी बनी है रात का टाइम है तो ज़बरदस्ती उनको 2 पूरी खिलाएगी, 2 तो खानी पड़ेगी कसम कुसुम दे करके। तो 2 पूरी उन्होंने जब खाई, और पूरी कितनी अच्छी बन रही है ना, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, खाने में तो थी बढ़िया लेकिन देखने में भी लग रही है जब मैं अभी इस वक्त एडिटिंग कर रही हूँ। और हो सकता है आपको खराटों की आवाज़ें आ रही हों क्योंकि विपिन और तन्मय जो है खराटे ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है पूरियाँ एक एक करके मैं तल लूँगी और जो है इनको फिर हम सर्व करेंगे पूरियों को। पहले मम्मी ने कहा थोड़ी सी बना लो, ऐसा नहीं कि सबसे पहली प्लेट मुझे ला कर दे दो, बच्चों को भी देनी है और फिर मुझे देना। मैंने कहा ठीक है मम्मी जो हुक्म सलाखों पे, क्योंकि वो बोलती हैं पहले मुझे मत दिया करो बच्चों को दिया करो। और मेरा मन करता है कि पहले मैं मम्मी को दूँ फिर मैं बच्चों को दूँ, आप लोग बताना ठीक के गलत। तो यहाँ पे बस मैं पूरियाँ बना दी थी, गुड्डू ने खा ली है, वो पानी वानी पीने आई है, मम्मी और तन्मय और विपिन खा रहे हैं। और पता है मैं वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई हूँ ना, आप लोगों को दिखा पाई प्लेट लगाने के बाद। तो लड्डू बनाए थे वो हैं, और आलू मटर की सब्जी, पूरी, बथुए का रायता, आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी सुस्त हो रही है, हाँ हो रही है, क्योंकि अब ना मम्मी का जाने का टाइम आ गया है, वो घर जाएंगी, नहीं मान रही है और जाना भी है, मैं समझती भी हूँ। बच्चे तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उनके जाने के नाम से, क्या करूँ कैसे रोकूँ, काश मैं उनका बेटा होती तो मैं उनके साथ ही होती हमेशा, पर क्या कर सकते हैं, बेटियों के लिए ये मजबूरी है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।